अब यहाँ अगला जो हमारा प्रॉब्लम है ये है कि मुझे रिजल्ट में पास और फेल देने हैं। क्या देने हैं? पास और फेल। बट कंडीशन यहाँ पर ये यह है कि अगर सारे सब्जेक्ट ग्रेटर देन 30 रिजल्ट अगर दे रहा है तो पास आएगा, पास। अदरवाइज फेल होगा। ग्रेटर देन 30 अगर रिजल्ट दिया तो पास, अदरवाइज फेल। तो यहाँ हम इफ का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, इफ माफ कीजिएगा एंड का, पहले एंड करेंगे क्योंकि तीनों सब्जेक्ट में हमें 30 से ऊपर चाहिए ही चाहिए। किसी एक सब्जेक्ट में ही अगर 30 नहीं आया तो उस दिनों फेल हो जाएगा, ठीक है? तो ये तीनों कंडीशन हमने दे दिया कि बी टू ग्रेटर देन 30, सी टू ग्रेटर देन 30, डी टू ग्रेटर देन 30। जब मैं इसको एंटर मारूंगा तो रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में आपके साथ शो करेगा। मुझे इस ट्रू एंड फॉल्स को पास और फेल में कन्वर्ट करना है, तो जस्ट अप्लाई इफ फॉर्मूला और यहाँ पे हम कर देंगे पास और यहाँ पे कर देंगे फेल। ओके, राइट, तो या इस तरह से मल्टीपल कंडीशन का इस्तेमाल किया जा सकता है।